पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। अवभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार हो मेरे सजनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने मन भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। भगवान जी आपका आना जरूर सफल करेंगे। प्रश्न है दसवें अध्याय की पावन आहुतियां। आहुति एक विशेष शब्द है हमारे शास्त्रीय विभूतियां बेटे। दसवें अध्याय की पावन विभूतियां, विभूतियां होती दिव्य शक्तियां। भगवान जी इसलिए वर्णन कर रहे गए, ये जरा मन में रख लिए फिर मैं आगे बढ़ू, ताकि हमारा मन अनेक से हट जाए। हटाने की चेष्टा करो, असंभव बात तो है नहीं, कठिन तो जरूर है। जितने भी अनेक पिताजी घर में है, माता जी घर में है, बहने भाई गए और रिश्तेदारी मां की ओर से आते हैं, पिताजी की ओर से रिश्ते आती हैं, ये सारे दादा दादी मिलते होंगे, ये सब ठीक है। हम चूंकि कल्याण कामी है, हम रात जानने के ये सब एक से अनेक हुए, एक मेरे इष्टदेव से अनेक। मैंने कितनी बार प्रसंग अनुसार बताया, जैसे पिताजी एक से अनेक हुए, अगर पिताजी शादी ना करते, एक ही रहते, भगवान का तप करते, लेकिन चूंकि पिताजी ने शादी की तो ये परिवार में देखो कितना पहाड़े पड़े गए। पहाड़े पड़ना अर्थात जैसे दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौके आठ, तो आगे आगे अंक बढ़ते जाएंगे। इससे पिताजी ने घर के मेंबर, घर के सदस्य बढ़ा लिए, और अगर ना होता तो एक रहते। इस तरह भगवान जी ने क्यों, इसका हमारा हिंदू धर्म कोई जवाब नहीं दे सका, हमारे ऋषि बिल्कुल खामोश रहे। भगवान क्यों एक से अनेक, ये संसार क्यों बना? बना तो भगवान जी के अनुसार, भगवान जी के स्वभाव के अनुसार क्यों नहीं बना? कोई जवाब, इसका जवाब भगवान ये कहते कि ये सवाल ही अपने आप में गलत है। हमें ये उठना चाहिए कि अब मैं इसे बचूं कैसे, इसे अपना दामन कैसे बचाऊं। ठीक है, तो अब महाराज जी विभूतियां बताए जा रही हैं। अर्जुन यही प्रश्न कर रहा है कि प्रभु मैं कौन सा भाव लेकर के तलीन हो जाऊं, एक में को जाऊं। ये उसी तरह अवस्था है जैसे कुछ स्टूडेंट 9 महीने किसी ने बर्बाद कर दिए हों, 2-3 महीने केवल अंतिम परीक्षा को, वार्षिक परीक्षा को रह गए हों, तो अब उसने एक बहुत बड़ी कीमत देकर, कीमत कहो या दे करके एक ट्यूशन रख ली, बहुत बड़ी फीस देकर ट्यूशन रखी। अब वो ये कहते हैं मैंने 9 मिनट बर्बाद कर दिए। अब कोई ऐसे प्रश्न आप तजर्बाकार ट्यूटर हैं, मुझे वो करवाइए कि बड़े जरूरी जरूरी प्रश्न। इस तरह अर्जुन का ये कहना जो है, ये मुझे कोई जरूरी बात बताइए जिससे मैं अपने आप को जमा लूं। भगवान भी यही कहेंगे इस अध्याय के विभूतियां बताने के बाद, न तफसील में जाके उलझन बड़ा के कसरत से अर्जुन तुझे काम किया। हाँ अर्जुन, इससे ज्यादा और विस्तार न कर, तेरा काम तो इसी से सर जाएगा, इसी से बन जाएगा, शाबाश। तो आप ये भाव रख के मेरे साथ शामिल हो जाओ कि ये सारी सृष्टि अनेक से, एक से अनेक बनी है। अब हम चुके कल्याण कामी हैं तो अनेक देख भी रहे जा रहे हैं,
हर एक व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, चाहे कोई शुभ कर रहा है या अशुभ कर रहा है, अपने गुणों के अनुसार हर एक अपना काम करके चल रही है। जैसे हम किसी अम्बाला जंक्शन पर चले जाए, रेलवे जंक्शन पर, तो अलग अलग प्लेटफार्मों पर यात्री बैठे हैं, खड़े गए, जिस प्लेटफार्म की गाड़ी आ जाती है सब उसमें चले जाते हैं। इस तरह सारे जीव अपना काम करती है, बस जिसके दिन पूरे हो जाते हैं, बहाना बनता है, वो चल देता है। इसलिए दाना आदमी आप जैसे विचारशील किसी भी प्राणी पदार्थ के साथ दिल नहीं देगा, क्योंकि चीजें टिकने वाली नहीं, जाने वाली है। बस जब आपका दिल कहीं नहीं लगेगा, याद रखना आपकी साधना बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगी। याद रखना आपकी साधना बेटी बड़ी तेजी से, जब मन अड़ा होगा साधना उतनी ही कम हो जाएगी, आप में एकाग्रता नहीं आएगी। ये अपने मन को समझा लो, इतनी कुर्बानी करके आप बहुत दूर से आते हैं, ये शहर वाले तो नजदीक नजदीक करवाएंगे ताकि जनता आ सके। रब ने विशेष जीव बुलाने के लिए सत्संग शहर के एकदम बाहर बनवा दिया, ताकि जिनमें खास लगन हो उन्हीं जीवों के लिए। देखो कितना दूर, आप खुद ही देख लीजिए, और आपको स्पेशल आना पड़ता है। ये आप नहीं कह सकती कि मैं गुजर रही थी और मैं इधर अंदर आ गई, नहीं, यहां गुजरने का काम ही क्या है। हाँ, यहां गुजरती है क्या अर्थियां, लाशें गुजरती जो बेचारी अंदर नहीं आ सकती, बाकी जीते जीव जीव किसने अंदर आना है, स्पेशल आना पड़ता है यहां। इसलिए ये बात अपने मन में बिठा के मन को एकाग्र कर लो, ये सारा एक से अनेक हुआ है। अब मेरे महाराज जी ने जिस अर्जुन ने प्रश्न किया, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल, यथार्थता का हाल, या मुझे उस यथार्थता का पता लग जाए, यथार्थता को मैं दू बदू हो जाऊं, यथार्थता को मैं यथार्थ रूप में रियलाइज कर लूं। रियलाइज करना या अनुभव करना और प्राप्त करने में बड़ा अंतर है। प्राप्त करना अनुभव करने में क्या अंतर है? प्राप्त वो चीज की जाती है जो पहले अपने पास ना हो। अब प्राप्त की प्राप्ति, एक कोई चीज हमारे पास नहीं है, उसको जब लेंगे तब कहेंगे मैंने प्राप्त कर ली। अनुभव वो चीज हमारे पास होती है, हाँ उसको अनुभव करना होता है। अनुभव करना का मतलब होता है प्राप्त की प्राप्ति है। दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कहती है, जैसे महारानी एक स्नान कर रही थी, स्नान करने के बाद गोलियों ने सजाया धजाया, लेकिन वो हैरान होगी कि मेरा 9 लाख हार कहां गया, हार मेरा है ही नहीं, खप मच गई, कईयों को मार पुष्ट दी कि डंडे को डंडा मारा, कुछ किया रानियों को, क्षमा करना अपनी दासियों को, राजा महाराजी को सूचना दी गई, वो आए महल में, क्या बात, मेरा 9 लाख हार गुम हो गया, मैं तो नहाने गई, उतारा था, उतारती मैं कभी नहीं। राजा ने देख लिया, दिल करता है जिस डंडे से तूने गोलियों को मारा है उन्हीं डंडों से मैं दूने दूने डंडे मारूं। हैरान होगी, क्यों, हार तेरा गुम हुआ है क्या, हार किसी ने उठा लिया है? रानी मैं तुझे क्या कहूं, हार तेरा लुढ़क गया है, है? जो ही देखा थी तो पीछे लुढ़का हुआ है, हार किसने उठाया तो नहीं, पहले हार आगे था, ये पीछे हो गया, ये हो गया प्राप्त की, क्या बोलू आगे, प्राप्ति। नेकलेस ऑलरेडी वाज विद इन नेक, नेकलेस वाज विद इन नेक, बट इट वाज आउट ऑफ साइट, जरा नजरों से परे था, इसको हम कहेंगे प्राप्त की प्राप्ति। ये तो प्राप्त था, अब हमें कोई पढ़ना है, बीए करनी है, एमए करनी है, ये वस्तु ये रियलाइज कर लिया, अनुभव कर लिया, ये प्राप्त की प्राप्ति को तो चीज थी, उसे मैंने रियलाइज कर लिया। अब सब गोलियों को उसने सीने से लगाया, माफी मांगी, हाय मैंने मारा, चीज थी मेरे पास। तो आत्मा परमात्मा जो भगवान जी बताने जा रहे हैं, वो हमारी जान और प्राण है, हमें अनुभव करना है अपने मन को निर्मल करके। अब बाहर की कोई चीज ली जाती, वो मेरे पास नहीं है, पति मेरे पास नहीं है, पत्नी मेरे पास नहीं है,
बीए मैं नहीं हूं, मैंने जो कोई और चीज लेनी है तो वो जाके मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो प्राप्त करना होगा, उसे प्राप्त करना होती है, और जो चीज अपने पास हो वो अनुभव करना होता है। टू रियलाइज उसको हमने, वो तो उपलब्धि होती है उसकी। जैसे मैंने एक चीज ले ली तो मैं कहूंगा इस वस्तु की मुझे उपलब्धि हो गई, बड़ा प्यारा शब्द है। प्राप्त का पर्यायवाची क्या है जी? उपलब्धि। पढ़ाओगा आपने प्राप्त का पर्यायवाची शब्द सिनोनिमस, द सेम मीनिंग ऑफ द सेम वर्ल्ड लेकिन वर्ल्ड डिफरेंट, तो हम कहेंगे उपलब्धि हो गई। तो जिस मार्ग पे हम लग गए हैं, ये केवल प्राप्त की प्राप्ति है, वो तो है। अच्छा अच्छा, सिर्फ अनुभव करना है तो क्यों नहीं अनुभव हो रही? जैसे राजा ज्ञानवान था, उसने बड़े गौर से देखा, चीज तो तेरे पास है, तूने इनको मार दिया। इस तरह गुरुओं ने देखा, ऋषियों ने देखा, तुम्हें बताया जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे अपने पास है, अनुभव क्यों नहीं हो रही? पर्दों में है ये, क्यों हार की खाप पचकी, चुके लुढ़क गया था वो, नीचे पिछली तरफ चला था। ध्यान नहीं दिया, रानी यूं देखती रहेगी। तो बताया गया, इसी तरह हमें भगवान जी अब बताने जा रहे हैं। ये मन में रख लीजिएगा, परमात्मा की प्राप्ति को नए सिरे से नहीं है, परमात्मा का अनुभव केवल अनुभव करना है, और वो भी अपने को निर्मल करके। जैसे आप दूसरा दृष्टांत, जैसे आप शीशे की टुकड़ी के सामने आए, बहुत बड़ा लुकिंग ग्लास आपने घर में लगा रखा, लुकिंग ग्लास आपका जिसे हम दर्पण कहेंगे, एक बहुत बड़ी टुकड़ी लगा रखी आपने। अच्छा, अब आप उसके सामने आए, क्या आपको आपका चेहरा ही नहीं प्रतिबिंबित उसमें हुआ? नहीं, ऐसे मत को प्रतिबिंबित तो हुआ है, लेकिन उसके ऊपर गर्दो गुबार है, उस पर मिट्टी की तह जमी हुई है। आपने क्या करना, अपना बीच में अक्स लाना है क्या? नहीं, आपका प्रतिबिंब तो उसके अंदर आ चुका है, लेकिन आप क्यों नहीं अनुभव कर रहे हैं चुके ऊपर मिट्टी की तह है? ये दृष्टांत हमेशा याद रखना, आपने सिर्फ तय हटानी, ओह आपका प्रतिबिंब आपका चेहरा दिखाई देने लगा। तो परमात्मा की जात तो मेरे और आप में है, नए सिरे से परमात्मा को नहीं लाना, सिर्फ ऊपर आवरण उतारना है। वाह वाह, तो क्यों नहीं उतरता इतने नजदीक होते हुए? क्यों नहीं? हमारा पूरा ध्यान उधर जा ही नहीं रहा, हमारा ध्यान गलती से फिर प्राणी पदार्थ में चला जाता है। मैं इसलिए दुखी हूं, देखिए मन के भोलेवा, ये होता है माया के चक्कर में देवी हूं। मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरी शादी नहीं होती, मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरी सेहत नहीं बनती, मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरी 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 चार लड़कियां लड़का को नहीं पैदा होता। अब हमारा सारा मन बाहर जा रहा है, मैं इसलिए दुखी हूं, मैं ये नहीं हम कहते कि मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं अनुभव नहीं कर पा रहा परमात्मा। अगर ये कहे तुम्हारी सारी वृत्ति एक में कंसंट्रेट हो जाए। सुनाओ मेरी बताओ बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, गीता का बहुत बड़ा उपकार है जिसने हमारे मन को खींचा अपने अंदर। कहना ये चाहिए मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं पूरे पेन केंद्रीय भूत नहीं हो रहा, मैं अपने अंदर गोता नहीं मार रहा, क्योंकि परमात्मा ही आनंद के घर है और वो ही मेरी आत्मा है, तो मुझे अंतर्मुखी हो जाना चाहिए अनिवार्य रूप से, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। जब तक इंसान ये कहता रहेगा, अपने से बाहर कहेगा ये नहीं मिला, शादी नहीं हुई, फलानी हुआ, ये नहीं हुआ, तब तक मैं दुखी हूं। हम अब सारे सियाने बने। जो अर्जुन का प्रश्न है, बड़ा गजब का प्रश्न है, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल, मैं किस तरीके से बैठूं, किस तरीके से अनुभव कर लूं। आए गए, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल, जरा योग अपना बयान कीजिए। आगे बढ़ा अर्जुन, अपने 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 बारे में बताइए ना प्रभु, जरा योग अपना बयान कीजिए। जलाल अपना भगवान अया तो प्रगट, प्रभु मुझे अपने बारे में समझा दीजिएगा और अपने आप को प्रकट कीजिए, मुझे अनुभव करवाइए। पर मैं क्या करूं, मैं प्रश्न तब तक करता ही जाऊंगा जब तक कि मैं तलीन नहीं हो जाता। मैं अपनी जगह मजबूर हूं, मेरे प्रभु मुझे मेरी बातों का, मेरे प्रश्नों का बुरा ना मनाना,
मैं बार बार प्रश्न कर बैठता हूं, पर सच्चाई ये गए, भगवान मुस्कुरा दिए, क्या ये बातें जो अमृत सीख गए तबीयत नहीं शेर होती कभी, आपकी ये बातों में इतना रस है, मेरी तृप्ति नहीं हो रही। तो तृप्ति कब होती, जब पूर्ण पे नाम अंतर्मुखी हो जाए। पढ़ने से तृप्ति नहीं होगी, सुनने से तृप्ति नहीं होगी, पढ़ने सुनने मनन करने से एकात्म रहने से क्या मन अंतर्मुखी होता जाएगा, लेकिन जब तक ये अवस्था नहीं बनती ख्याल उसके मन में विसात, तब तक इंसान को तृप्ति होनी नहीं। एक एक बात मेरे से ध्यान से सुन लो, अपने उच्च कोटि के अनुपम हिंदू धर्म की बहुत चोटी का ये कल्याणकारी मधुर धर्म है, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सब प्रायवाची शब्द जो मैं भूल गया, ये सब प्रायवाची है। हमारे जैसे उसे जानकारी पूरी कर लो, तब क्या आपका मन चारों ओर से हट करके एक में आ जाए, और कोई नलायक मूरख नरक का कीड़ा आपको बहका न सके, आपको इंड्यूस ना करे। वरना आज करके थोड़ी सी जानकारी होती है दूसरा बहका देगा। नारियां भी इतनी बुद्धू बन चुकी है कि तू अपनी राह ले, वो अपनी राह ले, नहीं अपनी उसकी राह छुड़वाना चाहती है। बड़ा भारी पाप होता है उसको छुड़वाना। ना नली गैर का धर्म गो खूब है, कृष्ण रोकती है हर एक अपने अपने चले धर्म पर, तलीन हो जाए भगवान की जात में। अभी मैंने देखा चारों ओर से आप आए हैं, आए तो एक ही स्थान पे है ना, कोई पूर्व से आए हैं, कोई पश्चिम से आए हैं, कोई बीली घर उत्तर से आ रहे हैं, काफी जनता इधर अंबाला दक्षिण से आई है, पर आए तो हम एक ही स्थान पे एक जैसा फल पा रहे हैं। इस तरह एक अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, फल अपना अपना पाएंगे। हमारे कितनी अच्छी कहावत है, ध्यान देना जरा मेरी ओर देखो, मेरी ओर जरा ध्यान से देखना, नदिया एक घाट बहुतेरे, नदी तो एक ही बह रही है पर उसमें पानी लेने के लिए घाट कई बने हुए हैं। घाट समझते हो बेटे, यूं उतर के नीचे लोटा भर लाना, इधर भी घाट है उधर भी घाट है उधर भी घाट बने हुए गए वहां भी घाट। कितनी अच्छी कहावत है सजनो, ओ देवियो नदिया एक आ गया, बोलो घाट बहुतेरी नदिया एक, ये घाट जो नीचे उतरने के लिए है, पर नदी तो एक है, परमात्मा एक, घाट बहुतेरी। कोई कर्म योग से आ रहा है, कोई भक्ति योग से आ रहा है, कोई ज्ञान योग से आ रहा है, कोई जप से आ रहा है, कोई बुद्धि योग से आ रहा है, कोई हठ योग, कोई हठ योग से आ रहा है। ये अपने मन में रख के किसी के साथ कोई कटाक्ष नहीं, ना करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, बिल्कुल वो आलोचना ना किसी की करेगा ना आलोचना सुनना चाहेगा। नलायक आदमी जिनको इस बात का पता नहीं, वो रास्तों के पीछे भटकते फिरते हैं जो अनुभवी नहीं बने। तो आओ मेरी देवियों, यही हमारे अर्जुन जी कह रहे थे, जब जाओ मेरे दाता मुझे बता दीजिए जरा, आए गए जलाल अपना भगवान जलाल, मैंने वो दिव्य शक्ति, उर्दू शब्द जलाल है, हम कहेंगे दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति को विभूति बोलती है। बस मुझे आप बता, प्रकाश डाल दीजिए प्रभु, बस इसमें राशि इतना है कि मैं बार बार प्रश्न करने के लिए मजबूर हो जाता हूं, आप मुझे तृप्त कर दो। तो मैं आप कह के आगे जा रहा हूं, तृप्ति, तृप्ति का मतलब होता है जिसके बाद कोई और फिर कामना ना उठे। तृप्ति या एंटायर सेटिस्फेक्शन, एंटायर सेटिस्फेक्शन, उर्दू वाले बोलते हैं मुतमयन हो जाना, मुतमयन। ये कब होते हैं, जब आदमी इतना अंदर तलीन होकर रस ले ले, कोई और कामना नहीं। जब आप पूरी भोजन कर लेती हैं, अगर माँ जी कहती है माँ मेरा पेट भर गया, मैं बस 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 एंटायर सेटिस्फाई हो गया, फिर हम बिल्कुल नहीं खाते। वो होती छह घंटे की तृप्ति, पानी के दो गिलास पी ली, या अपने छाछ पी ली आजकल, या अपने नींबू पानी ले लिया, शिकंजी ले ली, दो गिलास ले गए बस, मैं आप थोड़ा सा भी ले सकती, वो थोड़ी देर की तृप्ति। तो जब वह महाराज जी में तलीन होती है तो सदा की तृप्ति, फिर क्या, फिर वो लौट के नहीं आता, जन्म नहीं लेता। चूंकि तृप्ति होगी, तृप्ति का मतलब और कोई कामना नहीं उठेगी। अगर इंसान की तृप्ति हो जाती कामना पूरी करने के बाद, नई कामना ना खड़ी होती। हमने पढ़ लिया, फिर दो महीने नहीं गुजरते, फिर मन भटकता, नौकरी मिले, नौकरी मिल गई, फिर छोकरी मिले, आप उसे नजर नहीं आ रही, तो आप आवाज मारा करो, कान धक्के खा रहा है,
मैं फलाने मकान नंबर गली नंबर फलाने में बैठी हूँ, आ जा। तो उस बिचारे धक्के खाते, मैट्रिमोनियल दे, इधर दे, घर अब तो नगरों नगरों में दुकानें खुल गई हैं, जैसे फल की दुकानें, आटा दाल की दुकानें, ये भी दुकानें हैं। हाँ, किसी लड़की ब्यानी हो आ जाओ, किसी ने लड़का ब्यान हो आ जाओ, हजार हजार रुपए दोनों तरफ से ले लेंगे, ये भी एक दुकान हो गई। तो तृप्ति फिर भी नहीं होनी, शादी हो जाएगी फिर कोई तृप्ति हो जानी है, आगे बच्चा होना चाहिए। तो तृप्ति का मतलब क्या है, जिस कामना की पूर्ति के बाद फिर कोई नई कामना ना उठे। याद रखना हो नेक जीवो, जिस कामना की पूर्ति के बाद नई कामना और ना उठे, समझे ये तृप्त हो गया। यह है जीवन भर की तृप्ति। मैंने अभी भी कहा था खाने की तृप्ति 6 घंटे की होती है, पीने की तृप्ति चलो घंटे की हो गई, गलकर गर्मी का मौसम है, 6-1 घंटे की तृप्ति। फिर कामना प्यास लगी है, 6 घंटे बाद फिर कहोगे अम्मा मुझे भूख लगी है, अच्छे पुत्र तैयार है, बस से थोड़े गर्म करना है दोबारा। लेकर आज तक किसी ने ये नहीं कहा तलीन होकर के क्या मुझे भगवान चाहिए, ये भी तृप्ति नहीं, ना तलीन हो गए। थोड़े दिन वो रह जाते हैं हम लोगों को रास्ते डालने के लिए, हम लोगों को इशारा करने के लिए, फिर वो मालिक की जात में समा जाती। ये भगवान ने नियम बनाया कि जो भगवान के प्यारे तृप्त हो जाती हैं, तो बस हमें नियम ने, वरना हमें कैसे पता लगता, हम कैसे तरते, हमें कौन राह बताता। अगर वो तृप्त होकर तलीन हो जाते, शरीर छोड़ देते, तो फिर तो कोई जानता भी ना भगवान किसे कहती है और भगवान की ओर जाने वाला धर्म क्या होता है। तो ये मेरे प्रभु की बड़ी मेहरबानी है कि उनका शरीर नहीं लेता, उनके शरीर कोई संस्कार नहीं होते कि वो अपने संस्कारों का इंतजार कर रहे, नहीं संस्कार नहीं होते, बल्कि सिर्फ हमारे जैसे जीवों को राह दिखाने के लिए वो कुछ दिन की इंतजार कर रही है, हमें सिखा जाती है, उनका भला हो हमें रास्ता बता गए। चूंकि बड़ा आदमी जो बड़ा है सूर, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल, तो वो हमारी लाठी बन के चले जाती। इसलिए अर्जुन ने ऐसा कहा कि मुझे बताइए दाता कैसे मैं सदा के लिए तृप्त हो जाऊं। ये आप जिनकी बातों में इतना रस है, अर्जुन कहते मैं करूं क्या, मैं प्रश्न किए बिना रह ही नहीं सकता। ये देखो या परमात्मा व्यास जी कहती है जिनकी बातों में इतना रस है उनके दर्शनों में कितना रस होगा, जिनकी बातों में इतना रस है उनके दर्शनों में कितना रस होगा, यही से आप अंदाजा लगा लो। ये बातें जो अमृत सी आए आपकी तबीयत नहीं शेर, शेर मैंने तृप्ति, ये बातें इतनी मीठी आपकी हैं कि मेरी तृप्ति नहीं हो रही, मेरा दिल करता मैं और पंगा लूं, मैं और आपको छेड़ू, मैं और प्रश्न खड़ा करूं। प्रश्न पे प्रश्न करने को अपनी भाषा में क्या बोलती है, प्रश्न में प्रश्न कर देना। भगवान ने जवाब दिया फिर प्रश्न कर दिया, अर्जुन क्या कर रहे हैं गीता जी के अंदर, प्रश्न परिप्रश्न, प्रश्न परी लगा दो ना, परिप्रश्न कर रहा है, प्रश्न परिप्रश्न। तो भगवान भगवान के लिए क्या है, क्या जैसे प्रश्न परिप्रश्न उधर क्या कहेंगे, उत्तर प्रति उत्तर, बहुत अच्छे। भगवान के जो जवाब आ रहे हैं उन्हें कहेंगे उत्तर प्रति उत्तर, उत्तर प्रति उत्तर। अर्जुन की जो पूछा जा रही है प्रश्न, सियाने बन जाओ बच्चे, जो मुझे रब ने मुझे दिया मेरे से हर रूप पे छीन लो, जब तक आप इस काया को साड़ते नहीं शमशान में, उसे पहले पहले मेरे से बहुत कुछ ले लो, ताकि भगवान खुश हो जाए कि मैं कोई चीज अपने साथ लेके ना जाऊं, सब कुछ आपको दे के जाऊं, सब बातें बता के जाऊं, ताकि आपके लिए ये मार्ग आसान हो जाए। समझाना तो केवल अपने मन को है, कोई आंखों को नहीं समझाना, किसी शरीर के और आंखों को नहीं समझाना, केवल मन को समझाना। जिसका मन समझ गया बस बड़ी जल्दी तलीन हो गया, बहुत जल्दी। तो फिर एक जानकार को जितनी जानकारी परमात्मा ने कराई हो प्रेम पूर्वक समय देना चाहिए, बड़े प्रेम पूर्वक, ताकि करना क्या है मन टिक जाए। लो आओ श्री भगवान वाच, ये बहुत बड़ा बड़ा शानदार उत्तर है। क्या उत्तर देने जा रहे हैं हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, मेरी देवी, मेरे सजनों, जिससे मन सदा के लिए तृप्त हो जाए। दूसरे शब्दों में सदा के लिए अंतर्मुखी हो जाए। तीसरे शब्दों में आवागमन से छुट्टी हो जाए। चौथे शब्दों में नाना प्रकार के दुखों से जिसकी रहाई हो जाए। या आदि व्याधि उपाधि बिल्कुल ना सिताए जिसको, ऐसा जवाब भगवान देने जा रहे हैं। आपके नाना प्रकार का प्रश्न का ये इस श्लोक में उत्तर है। मेरी देवियों, मेरे सजनों, इसका नंबर है 20।
दसवें अध्याय का 20वें श्लोक में बड़े कमाल का उत्तर है। ये याद रखो, डका करो ऐसे श्लोक, बस दसवें अध्याय का 20वें में नाना प्रकार के प्रश्न कर लो, एक ही जवाब है। नाना प्रकार के प्रश्नों का एक जवाब। हमारे वक्त ऐसी मास्टर जी बड़े हंसते भी थे और पूछा भी करते, एक उत्तर दो, परौठा सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, अब उत्तर एक देना, हमने दो चार उत्तर नहीं देने। तो बड़ी बुद्धि को हमारी खींचते थे और नहीं खुश होते थे। मास्टर जी अपने लंबे लंबे दांत दिखा के इतने हंसते थे, नहीं आता गालियों भी देते थे, सॉरी दियो थे, फला ले हो, तो बड़ा कुछ। फिर हमें तो नहीं आता जी, हम हाथ जोड़ के कहते आप इसका उत्तर एक देना है, परौठा सड़ा क्यों और परौठा मां पकाए सड़ा क्यों, उधर घोड़े को चक्कर सिखा रहे थे, घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा ना था। ओए मां का ध्यान पता नहीं कहां चला गया, फेरती तो परौठा ना सड़ता, वो ठीक से अगर घोड़े को फेरते तो घोड़ा अड़ी ना करता। पान क्यों ना खाया, गाना क्यों ना गाया, गायक आया करके गाना नहीं गा सका चला गया, और पान दिया गया उसे चबाया नहीं, क्यों गाना क्यों ना गाया, पान क्यों ना खाया, क्या गला ना था, पान कच्चा आई और उसने गला बैठा हुआ था। गायक आया तो सही, पर गिग्गी बैठी हुई थी, गला ना था अर्थात गाने का गला नहीं था, बैठा हुआ था, और पान क्यों ना खाया, कच्चा आई। जरा पान पका हुआ तब तो चबाया जाता है। वाह वाह, ऐसे ऐसे जवाब हमारे समय होते थे, जिसका जवाब एक हो, जवाब दो ना हो, जवाब एक होना चाहिए। इस तरीके देखिए, ये जो 20वें 10वें अध्याय की 20वें श्लोक में हमारे प्रभु जी, ये आपके नाना प्रकार के प्रश्नों का एक उत्तर है। आप करो धार्मिक प्रश्न, जवाब 20वें श्लोक से लिए करो, है हाँ, 20वें श्लोक में आपके नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर है, नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर। अच्छा आओ हम एकाग्र हो जाए और अपनी साधना को और बढ़ा ले, अपनी साधना में और भी शक्ति भर ले। अब महाराज जी क्या कहती है अर्जुन, अब रास की बात ले, क्या एक रास की बात भगवान बता रहे हैं। शुरू में सृष्टि नहीं थी, जीवो जितना समय रह गया मुझसे जरा बड़े गौर से बात सुन लीजिएगा, सृष्टि शुरू में नहीं थी। सृष्टि कहिए, रचना कहिए, दुनिया कहिए, वर्ल्ड कहिए, हाँ मखलूक कहिए, उर्दू वाले मखलूक बोलते हैं, शुरू में नहीं थी, भगवान जी ने ही इसे बनाई है, बनाई गए तब इसे सृष्टि कहती है, और बनाने वाले को इसलिए सृष्टा कहती है, वरना ये दो शब्दों का पता ही ना होता अगर सृष्टि ना बनती, कि सृष्टा किसे कहती है और सृष्टि किसे कहती है। चूंकि बनाई गई है इसलिए ये सृष्टि है, बच्चे ये बनाई गई है इसलिए सृष्टि, और चूंकि बनाने वाला भी है तो सृष्टा, अंग्रेजी बोलती है क्रिएशन, अगर ये क्रिएशन है तो फिर जरूर कहेंगे क्रिएटर कौन है, अगर हमने कहा ये क्रिएशन है तो क्रिएटर भी है, हाँ हम कहेंगे रचयिता तो संसार हो गया, रचना रचयिता की रचना, वाह 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 वाह, हम कहते हैं ये सृष्टि सारी भगवान की कला है, तो फिर भगवान कौन हो गए, अगर ये उनकी कला है तो भगवान कलाकार, जिसने दिखाया है वो तो होने चाहिए कलाकार। तो आप जरा भी आप इसको एक कहेंगे तो दूसरा फौरन जवाब देगा, इसलिए भगवान ने कहा पहले सृष्टि नहीं थी मैंने बनाई, जब सृष्टि बन गई तो मैं सर्वव्यापी रूप में समाया हुआ हूं। हाँ तो एक नियम जो कर रब दा, जो चीज पहले ना हो बनाई जाए कुछ समय के बाद नहीं रहेगी, ये परमात्मा का नियम है, जो चीज पहले ना हो और बनाई जाए तो कुछ समय के बाद नहीं रहेगी। आप एक घंटा पहले यहां नहीं थे, आप अपना अपनी मानसिक भोजन लेने के बाद थोड़ी देर बाद भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बेंच आपके आने से पहले भी थे, बेंच आप भी हैं, आप चले जाओगे तो बेंच फिर भी रहेंगे। आए काय आए काय आए काय, इस तरह भगवान पहले भी थे शुरू में, अब भी है सृष्टि में, परले आ जाएगा तो भगवान फिर भी रहेंगे। इस चलो आधे श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ये कह रहे हैं, मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में हूं। आप जैसे अपने मन को समझा लेंगे, हाय अनेक प्रश्नों का उत्तर आ गया जब आप ये विचार करें
कि सृष्टि का क्या है, आद और अंत है। सृष्टि का आद और अंत है, लेकिन उसके बनाने वाले का न आद है न अंत है। जिस चीज का आदि होगा उसका अंत जरूर होगा, है ये आपके देखिए पिताजी के आपने इतना बड़ा फोटो का एनलार्ज करवाया है बेटे, एनलार्ज बड़ी उसको एनलार्ज कर बड़ा रूप दिया। मैंने छोटी सी फोटो थी पिताजी की, आपने इतनी बड़ी एनलार्ज करवा लिया, बड़ी चमक रही पिताजी, और फ्रेम चढ़ाया बड़ा कीमती फ्रेम स्टील का आपने चढ़ाया है, बहुत सुंदर। लेकिन ये देखिए नीचे लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ, जिसके एक कोने में आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे फौरन मेरी और आपकी आंखें जाएंगी, दूसरे कोने में लिखेंगे डेट ऑफ डेथ, फौरन जिसकी डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसकी डेट ऑफ डेथ भी लिखी होगी, जिस सृष्टि का पीरियड है शुरू होने का उसका अंत भी आता है। तो दाना कहां इससे कुछ काम, आप जैसे जिनकी बुद्धि जरा बाकियों के अपेक्षा ज्यादा है वो फिर इस पे दिल नहीं लगाएगी तो जाने वाली है। ये तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ में है, डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ, ये चीजें तो जाने वाली है। हमारा मन फिर लगेगा किसमें, जो अपने मुख से कह रहा है मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में हूं। बड़ा उपकार कर दिया प्रभु जी ने ये उत्तर देकर, क्या जो मन भटका हुआ था किसमें रूपों में, हमके संसार में भटका हुआ यूं ना कहा करो, फिर आपको पता ही लगेगा मेरा मन संसार में भटकता है, गलत, मेरा मन रूपों में भटकता है। संसार का मतलब क्या होता है, रूप, रूप रब ने बनाए और नेक जीवो और नाम हमने रखे। अगर नाम भी रब ने बनाया तो सारी दुनिया में एक ही नाम चलता, सारी दुनिया में एक नाम चलता है। नाम तो हम लोगों ने बनाए, इसलिए हर सूबे में नाम अलग अलग है, हर प्रांत में अलग अलग बोलती है, हर प्रांत की बोली अलग अलग है, कोई 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 हर प्रांत की बोली अलग, पंजाब को कुछ और ही बोली, बड़ी मोटी बोली, जैसे कोई गालियां दे रहे, बड़े मोटे मोटे शब्द है, बड़ी मोटी मोटी बोली, वाह। और जैसे हरियाणा की बोली देखो ये और प्रकार की है, मैं और आप तो बोल भी नहीं पाएंगे, और उधर भारत की जो हिंदुस्तानी है वो और प्रकार की है, उधर यूपी में जाओ जो ठेठ हिंदी बोलती है वो संस्कृत गर्भित शब्द है, संस्कृत गर्भित। चलो जरा लखनऊ में, चलो जरा और आगे इसके इलाके में, ये सारे इलाके में ये संस्कृत गर्भित शब्द निकलते हैं, संस्कृत गर्भित, जिस हिंदी में संस्कृत की शब्द ज्यादा उसे बोलते हैं संस्कृत गर्भित शब्द। आगे पे प्रांतों की अपनी बोली है और इससे दुनिया भर की शब्द और प्रकार के चलते हैं। एक ही चीज के अनेक नाम है, एक ही चीज के नाम अनेक, चीज तो एक होती है नाम अनेक। अब जैसे मैं कहूं आजकल सीजन आ गया, क्या आप पंजाब में हो तो कहेंगे हिंदवाना लेना हिंदवाना लेना हिंदवाना, अब इधर हम आ जाए आप तरबूज लेंगे, और जरा आगे मद्रास की तरफ निकल जाए जहां अंग्रेजी बोलती है विल यू हैव ए वाटरमेलन, वाटरमेलन, वाह वाह। अब मेलन तो रब ने बनाया ना, तरबूज तो रब ने बनाया, नाम बंदों ने बना दिए अपने प्रांत के अनुसार, नाम अलग अलग, हिंदवाड़ा अच्छा, तरबूज और वाटरमेलन। इस तरह मन में रखना कि रूप रब ने बनाए, आए खाए आए खाए, और उनके जो नाम है वो इंसानों ने अपने अनुसार बनाए। अच्छा, तो जब हम कहे मेरा मन नहीं लगता, तो इसका दूसरे शब्दों में ये है हमारा मन रूपों में लगा हुआ। भला हो व्यास जी का जिन्होंने ये ऐसे तरीके से हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति समझा दी, ये उन्हीं की देन है। मैं तो उसको आसान करने की और चेष्टा कर रहा हूं, खरबूजा उन्हीं का है, मैं तो उसकी फाड़ियां अलग 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 करके आपके झोली में डाल रहा हूं या आपके दस्तरी में रख रहा हूं। खरबूजा उन्हीं का है, ये सारा ज्ञान उन्हीं का है, हमारे जैसे जरा उसे मेड इजी कर जाते हैं, जरा सुबोध बना जाती है, सरल कर देती है, सुग्राह्य कर देती है, शब्द सुबोध सरल सुग्राह्य, आसानी से ग्रहण कर सके हम, आसानी से हमारी बुद्धि सुबोध, बुद्धि के लिए सुबोध हो जाए, आसानी से बुद्धि हमारी समझ जाए। शाबाश शाबाश, जैसे कटहल की सब्जी बड़ी सख्त होती है पत्थर की तरह, लेकिन अब बनाने वाली उसे ऐसे पकाएगी कि जरा खाने में नरम हो जाएगी। कटहल ना बनाए कर पहाड़ी सब्जी है, पहाड़ी वालों की ठीक रहती है,
जिन्हें कटहल न खाए शुरू में आपके सारी जीप पर छाले छाले पड़ जाएंगे, और कटहल कटता भी नहीं जब तक सरसों का तेल छुरी के साथ हाथों के साथ न लगाया जाए, वो चिपक जाती है छुरी उसी के साथ ही। तब बाहरी आदमी को पता है हमारे ये प्रांत की सब्जी नहीं है। अच्छा न बनाना, मैंने कह दिया तो जिद में कहो हमने कटहल बनाने, चार पांच दिन माँ याद आएगी सारे छाले पड़ जातेंगे, खा चुका हूं जीप पे छाले, लबों पे छाले, हाथों में कटने बड़ी मुश्किल हो जाती है, इत्यादि। चलो तो मैं गुजर्श किया चाहता हूं क्या सिर्फ अगर मन हटना है तो रूपों से हटना है, और रूप से ए ए यू चुटकी मार के हटा जब आपने ये जाना इनका आद और अंत है। आए गए इनका आद और अंत है, देयर इज बिगिनिंग एंड एंड इज एज वेल, बस मन टूट जाए क्योंकि आप में सतो गुण बढ़ता जा रहा। जब आप हर चीज का मेरी देवियों आद अंत देख लेंगे, व्हेन देयर इज बिगिनिंग देयर एंड मस्ट बी, अगर किसी का आद है तो अंत होगा, जरूर होगा। रब ने ये नियम बनाया है किसी की ना कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी है, चूंकि उनका आदि कोई नहीं, इसलिए भगवान को बोलती है अनादि। भगवान को क्या कहती है? अनादि, जिसका आदि कोई नहीं। भाई जिसको तुम आद कहोगे उसका अंत होगा, भगवान तो अनादि है, भगवान कभी आदि, इसलिए अनादि है तो उनका फिर हमेशा रहती है। इसलिए रब ने कहा किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात, एक वो रहने वाली है, और वही मेरे और आप में आत्मा, इधर ये कोई अंग नहीं रहेगा, सर साड़ देंगे हम लोग। हाँ लेकिन वो जो इसको चला रही थी वो निकल जाएगी, वो गई, ये भगवान ने नियम ऐसा बनाया वो गई। अब भगवान कहते हैं मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की मकी कहते निवास, जिसका निवास इन 84 लाख योनियों में है, मैं वही आत्मा इनके अंदर। आत्मा मैंने हमारी जान प्राण, हमारी जिंदगी है, आहा हमारे शरीर की लाइफ वही है जिसके साथ हमारा अत्यधिक प्यार होता है। बेवकूफी से कह लो ना, जब भगवान का ज्ञान ना हो तो अत्यधिक प्यार होता है। हाँ उसको भी हम कह देती हैं तू तो मेरी जान प्राण है, या आप श्रीमानों कभी शायद कह देती होंगे पहले, आप तो मेरी जान प्राण है, आपके बिना तो मैं रह नहीं सकती जिंदा, आपने भी कह दिया होगा, आप तो मेरी जान प्राण है, आपके बिना मेरा रहना इंटायरली इम्पॉसिबल। झूठा मुठा खुश करने के लिए या सीधे प्यार बहुत बढ़ गया था तो प्यार में अंधे हो गए थे, तो ये शब्द मित्र मित्र में, पति पत्नी में, बहन बहन में, भाई भाई में चला करते हैं। यथार्थ में देखा जाए तो हमारी जान प्राण तो हमारे परमात्मा है, जो वही आंखों में नूर है, आंखें देखती हैं, वही कानों में आवाज है, उन्हीं की ताकत से सुनती हैं, वही हाथों में शक्ति है, हमारा जो लेना देना हो रहा है, हाथों से ग्रहण करना त्याग करना ये उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। कोई 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 ये जो हम सांस लेते, भगवान ने खुद कह दिया धरू और भरू दम में। वाह मेरे प्रभु क्या कमाल कर रहे हैं, ऐसा कौन दुनिया में धर्म होगा जिसने इतनी नजदीकी भगवान को रख दी हो, धरू और भरू दम में, मैं तो उर्दू शब्द है ना, अपने शब्द दो, मैं ही प्राण हूं, प्राण जो हवा हम अंदर ले जा रही है, इसको आप बोलती हैं प्राणवायु, प्राणवायु इसी को आपके इंग्लिश में बोलती हैं, साइंस में बोलती है आपकी ऑक्सीजन, और अपान जो अंदर से गंदी होके बाहर निकली उसे प्राण, और उल्टा शब्द विपरीत अर्थ क्या है बेटे, अपान, इसी को बोलती हैं ये लोग जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वृक्ष जो क्या है, दिन भर में सारा दिन में आपको ऑक्सीजन दे रही है सारे दिन में, और जो आप छोड़ रही हैं वो वृक्षों की खुराक है, जो वृक्ष छोड़ रहे हैं वो हमारी खुराक है, हम आपस में बहन भाई है, हमारा आपस में खून का रिश्ता है, वो हमें दे रही है और हम उनको दे रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे ये चक्कर चल रहा है, प्राण अपान। तो भगवान कहते मैं ही मेरे कारण से प्राण है, श्वास आ रही है, दरू और बरू दम में। आगे देखिए कितने हमारे कमाल कर दिया ध्यान लगाने के लिए, चारों गिजाएं, ये जो हमने तो गिजा खा ली, चार प्रकार का भोजन अब दिन भर में लेते, आपको पता है टेक को पता है, ए मुटान बहने टेक को पता है क्या, हम चार प्रकार की गिजा ले जाती हैं, कौन सी, एक तो तरल पदार्थ, तरल मैंने जो दूध की तरह हो, पानी की तरह हो, हाँ
एक ठोस भोजन की तरह फुलके, हाँ एक मिली जुड़े खिचड़ी, और ये चौथा होता है फल। आहा, ये चार प्रकार के चारों गिजाई, दिन भर में चार प्रकार, पांच प्रकार की गजा तो हो ही नहीं सकती। एक तरल पदार्थ, एक ठोस पदार्थ, एक मिले जुले, एक फल। तो जाने के तौर में डाल दिया, अंदर सन्नी बना दी, गुतावा बना दिया। जैसे यहां पशु को अपने गैया को खिलाते हैं कई चीजें मिला के और भूसा मिला के, तो सन्नी हमारे में सन्नी, मैंने शब्द सुना है सन्नी कर दे सन्नी, और पुत्र क्या देखना पे गुतावा कर, गैया कह दिया गुतावा, शब्दों में फर्क है, बात तो वही है। तो अब वो तो इस तरह हम भी कई चीजें अंदर डाल दी चार प्रकार की, अंदर बन गई सन्नी, अन्य बन गया गुतावा। हाँ भगवान ने कहा ये तो अंदर सारा मिला दिया, लेकिन इसके कौन करता है एनालाइज, कौन करेगा विश्लेषण, कौन करता है इसका? भगवान कहते वो मैं ही जठराग्नि बना हुआ हूं, जठर जमा अग्नि, जठर मैंने पेट, अग्नि मेरे वो तेज आग, वो मैं ही तो हूं, मेरे कारण से ही सारा हजम हो रहा है, मेरे कारण से ही प्राण अपान हो रहे। कितनी नजदीकी दिखाई है भगवान ने, इसी जो भगवान को बोलते हैं निकटतम प्रियतम। बड़े प्यारे शब्द है जो निकाले गए व्यास जी ने, निकटतम प्रियतम, अंग्रेजी बोलते हैं नियरेस्ट डियरेस्ट। हमारे भगवान से बढ़कर नियरेस्ट कोई भी नहीं, वो ही नियरेस्ट है, और जो नियरेस्ट होता है वो डियरेस्ट होता है। निकटतम ही प्रियतम होता, भले ही गलती से या भूल से या मोह माया से हम पति हो कहते हैं आप मेरे बड़े, आप मेरी, हम बोलते हैं ना प्रीतम, प्रीतम कोई शब्द नहीं, पंजाबी वालों ने बिगाड़ दिए हैं शब्द, वरना शब्द तो है प्रिय से प्रियतम, प्रिय हा बाबा प्रियतर, और आगे क्या बोले प्रियतम, शब्द तो प्रिय प्रियतर प्रियतम है, वो आपने बिगाड़ लिया कमलों ने, आप तो मेरे प्रीतम हो प्रीतम, तो यात ने जेब में डाल लिया, पर वो शब्द ही टूट टूट बोलते ही इस तरह है। शब्द प्रियतम डियरेस्ट, और डियरेस्ट शरीर नहीं होता, डियरेस्ट मरने वाला नहीं होता, तो डियरेस्ट कौन होता है? भगवान जी होते हैं, और मैं कुर्बान हुई कुर्बान, डियर अपने मालिक होते हैं। डियर कौन होता है? जिसके बिना शरीर जिंदा ना रहे, वो सुनो नेक जी वो तर जाओ, जिसके बिना शरीर जिंदा ना रहे उसको बोलती है क्या प्रियतम। प्रियतम का मतलब यही नहीं होता कि पति देव जिसने आपका हाथ पकड़ा है, गलत। प्रियतम केवल भगवान होते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म बताता है प्रियतम वो जिसके ना रहने से शरीर जिंदा ना रहे। हमने अपनी मोह ममता से या अपनी गलती से या अपनी बकवास से पतियों कह दिया प्रियतम, और तो कह दिया प्रियतमा, वो आज के बाद समझ जाओ ना, हमने तरना है, हमने भगवान की जात में समाना है, अपने मन को खींच रखे ना। प्रियतम तो वो गए, कौन? परमात्मा। प्रियतम परमात्मा, जिनके बिना शरीर जिंदा नहीं रहता, जिनके निकल जाने के बाद लोग उठा के इसे अग्नि दाह कर देती है, उसे जलाती है। आहा, दाह संस्कार हो जाता है, दाह मैंने जलाना, संस्कार मैंने आखिरी संस्कार, दाह संस्कार, चूंकि दाह मैंने जलना बची, दाह संस्कृत शब्द है, दाह मैंने जलाना, तो जो जल जाएगा देह दाह से बन गया देह, और जो देह को चला रहा है देही, देही मैंने आत्मा। आहा, जो जल जाएगा वो देह, और जो चला रहा है इसको वो देही। शरीर जो सरक रहा है शर धातु से, और जो इसे चला रहा है शरीरी, शरीरी मैंने आत्मा, शरीर जो सरकता जा रहा है और शरीरी जो इसको चलाई जा रहा है। ये शब्द बड़े प्यारे बनाया व्यास जी ने, शरीर शरीरी का ज्ञान, देह देही का ज्ञान। हमारे हिंदू धर्म में शुरू में यही सोचते हैं कि पहले देह देही का ज्ञान ले लो या शरीर शरीरी का ज्ञान ले लो, ताकि हमारा मन जान ले कि सारी महत्ता तो शरीरी के कारण से है, सारी महत्ता तो देह के देही के कारण से गए। बिल्कुल ध्यान दीजिए, तो भगवान जी कहते हैं मैं वो देही हूं, मैं वो शरीरी हूं, मैं वो आत्मा हूं, मैं वो ये प्रियतम हूं, जिसके बिना शरीर ने नहीं रहना, जिसके बाद निकल जाने के बाद सारे इसको साड़ देंगे, उठा लेंगे, आहा रोते धोते ले चले डगर डगरिया। आहा, तो वो अब हमारा ध्यान जिंदगी में उसके रहते हुए हमारा ध्यान उधर जा रहा है, अब देह से हटते जा रहे हैं, देहों से हटते जा रहे हैं,
जब इंसान अपने देह से हटता है तो अनेक देहों से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने देह के कारण से ही बाकी देह प्यारे लगते थे। याद रखना, हमें अपने कारण से ही दूसरे प्यारे थे। कोई नहीं कह सकेगा कि मुझे उनके कारण से कोई प्यार ना, अपने कारण से हमें माँ बाप बहन भाई पति पत्नी गुरुदेव या देवी देवता अपने कारण से प्यार लगती है। अपने कारण से न कोई रोवे अम्मा नु, सब रोवन अपने कम्मा नु। इनको रोता कोई नहीं। अगर उनके कारण से प्यारे होते तो कोई किसी को तलाक ना देता। कोई जवाब नहीं आपके पास। अगर आपको आगे पति आपकी जान प्राण है तो कही तो माया का, तो और तलाक दे सकती? या उसका संबंध विच्छेद होता? संबंध विच्छेद, तलाक को हम अपनी भाषा बोलती है, संबंध बनाया था, विच्छेद टुकड़े करके रख दिया। संबंध विच्छेद, संबंध विच्छेद कभी होता ही ना। अगर वो अपने कारण से प्यार था, नहीं हमारे कारण से प्यार था तो अपने को चोट लगी, तू अपने घर थे मैं अपने घर, चल वही चोट लग जाएगी। जब अपने को अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता, कौन पति और कौन पत्नी, सब है अपने कारण से। नेक जीवो, तो भगवान करे मैं वही शक्ति हूं आपके अंदर। इस तरह जीव ने जाना कि अपने कारण से, और वही उन्हीं के कारण से ही ये जो है भाग रहे दौड़ रहे हैं। तो हमारा वन चारो, हमारा रजोगुणी का नहीं तमोगुणी का नहीं, तो सब कुछ कौन है? अपने मालिक को छोड़कर पर तो उनमें जा रहा है। पता नहीं इंसान पे कब पूरी कृपा भगवान की होगी, कब, जबकि वो अपने से बाहर नहीं जाएगा। यदि वो अपने से बाहर चला गया, वो हाल होगा जैसे सीता जी का अपनी सीमा छोड़ने के बाद हुआ था, शैतान के हाथ में चली गई। तो हमारा मन, हमारी देही शैतान के हाथ में चली जाएगी अगर हमने भगवान को छोड़ दिया। सिर्फ सीता जी के तो एक बारी रूप में दृष्टांत है ना, वरना तो ये एक हमारे लिए शिक्षा प्राप्त घटना है कि अगर हम भी बाहर चले गए अपनी सीमा से, वो बुरा हाल, फिर हमें काम पकड़ लेगा, क्रोध पकड़ लेगा, मोह पकड़ लेगा, अहंकार पकड़ लेगा, और बड़ी नकारात्मक वृत्तियां मेरे सजनों देवी पकड़ लेंगी। जिसको ये राज का पता लगा कि असल तो वही है जो कह रहे हैं मैं हूं आत्मा मेरी यकीन, जो है जानदारों की, जो इन सारे प्राणी पदार्थों में, जानदार का मतलब तो जान वाली चीजें नहीं, इन जड़ में वही है, पर भगवान जड़ को मानते ही नहीं। भगवान कहते ये दिखाई देती है जड़, पर चूंकि मैं इनमें हूं इसलिए जड़ नहीं है। नजर आते पत्थर में नजर आता ये जड़ है, लेकिन महाराज जी का इसमें निवास है। जब कोई मूर्ख आदमी कहते हैं कि आप क्या है, आप मूर्ति पूजा करते हैं, कैसे बख्शेंगे भगवानों को? मुसलमान कहते हैं, या और भी कई देखा देखी कि आपको बोलते थे आप तो मूर्ति पूजा है भगवान की मूर्ति, लेकिन परमात्मा की कसम आज तक कोई मूर्ति पूजा पूजा के एक भी नहीं हुआ है। कईयों को अकल देने की कोशिश की है, कईयों को समझ भी आ गई, मूर्ति पूजा तो एक भी नहीं पैदा हुआ आज तक, कोई हुआ ही नहीं। समझाया मैं उसको, बच्चे चलो मंदिर में चले गए, अब आप बैठ जाओ मेरे पास, बैठ गया दोनों महाराज जी की ओर मुख करके, हाँ अब तुम ही चौकी लगा के बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाता हूं, अब मैं बैठ गया हूं, हाँ अब मैं जाप कर रहा हूं, तो क्या मैं ये पत्थर सभी के जाप कर रहा हूं कि अपना इष्ट देव? आप इष्ट देव समझेंगे, और जब इष्ट देव समय के करके मन लगाएंगे तो उनको गुण नजर नहीं आएंगे जरूर। तो क्या मैं पत्थर समय के याद किया कि या के भगवान गुणवान को याद किया? हाय मेरा बच्चा वो रोज आ रहा है यहां पर, रोज। पहले ये मूर्ति को बड़ी उल्टा पुटा, बाबा समझ तो अब आ रही है। जब भी कोई ध्यान लगाता है क्या मूर्ति का, पत्थर का ध्यान लगाता है, उस वक्त पत्थर आंखों से उठ जाता है, उस वक्त वो इष्टदेव नजर आती है और उनके गुण याद आते हैं। फिर मैंने उनको बताने की कोशिश की, पिताजी के है, हाँ जी हमने बहुत बड़ा घर में उनका लार्ज फोटो लगा रखा है, तो जब आप रोती हैं तो ये कागज के टुकड़े कुछ बेवकूफ कहीं के, बाबा आपके लिए कागज का टुकड़ा होगा, जब मैं ये देखता हूं तो मुझे तो अपने पिताजी के उपकार याद आते। ये देख कागज नजर आया नहीं, तो क्या हमें पत्थर नजर आया नहीं। मैं कहता हूं मूर्ति पूजक तो एक भी नहीं हुआ आज तक, पर उन्होंने की पता जिन्ना ला के ना दिठी।
एक भी अभी तक कोई दुनिया में नहीं जो मूर्ति पूजा करता, मूर्ति को नहीं पूजा करता, वो इस शक्ल में अपने इष्ट देव को याद कर लेती है और इष्ट देव को याद करने में गुण नजर आ जाते हैं, गुणों से मन तलीन हो जाता है। शाबाश, तो मूर्ति तो हमारे आंखों के सामने गायब जाती है। ये तक होता है जितने भी चित्र होती हैं, या यू चित्र कह लो या इस प्रकार संगमरमर की मूर्ति कह लो या किसी और धातु की मूर्ति, ये क्या होता है, मन को रिचार्ज करने का हैंडल। कभी कभी ट्रक वाले अंदर से लोहे का हैंडल निकाल के स्टार्ट करते हैं जब कोई ऑटो स्टार्ट खराब हो जाता। तो ये हमारे मन के, हमने ये विशेष जो है मूर्ति या विशेष शक्ल देखी महाराज जी की, मन स्टार्ट हो गया, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे सच्चिदानंद, ये देखिए। तो नजरों में ये नहीं कि संबर मारे, नजरों में ये गए कि मेरे भगवान। एक सेकंड भी ख्याल नहीं आता ये संबर मारे, एक सेकंड भी आपको ख्याल नहीं आया कि ये एक मोटे कागज के ऊपर ये पिताजी है, ये कागज है, कभी मेरे पिताजी। जब भी ये ले मुंदरी के ऊपर एक कागज के अंदर पतिदेव की अगला इतनी शक्ल बनी हुई है, ऊपर गर्दन गर्दन, तो आप छाती से लगाई बैठी है, नहीं जली लाल को लली बिशरम, क्या कोई लोहे में लगा सोना देख रही है, तो और क्या, चाहे ये कागज ऊपर कागज थोड़ा देखती पई है मेरे पति देव, ये सोना गुम, हाँ कागज गुम मेरे पति देव, ये इसी तरह भगवान का प्यारा भगवान के गुणों को याद करके उसमें तलीन हो जाता। मैं फिर भी कहूंगा जो मूर्ति का खंडन करती है बड़ी भारी भूल करके नरक की तैयारी कर रहे हैं। मूर्ति को देख के तो उनको अपने भगवान और भगवान के गुण याद आ जाते हैं। मूर्ति इज ओनली सिंबल, प्रतीक है। वह पढ़े लिखो मेरे जैसा आपको चाहिए कोई समझाने वाला, ये तो हमारा प्रतीक है जैसे नियर सिंबल। जैसे आप ईसा मसीह तो फांसी पे चढ़ गए, उन्हें क्रॉस बना रखा है, क्रॉस उसी की निशानी है जो आप बेवकूफी से टाइप लगा लेती हैं। भूल करके भी टाई हमें नहीं पहननी चाहिए, ये टाई उनके ईसा मसीह की क्या है, फांसी का चिन्ह है, ये ईसा मसीह की जो है ये वो याद है, सिंबल है, जिसे सिंबल आप ईसा मसीह। पर हम इतने नलायक है खूबसूरती के कारण से ये पहन लेती हैं, वो तो अपने धर्म का एक चिन्ह मानती है, धर्म का एक चिन्ह, दिस इज सिंबल ऑफ देयर क्रिश्चियनिटी, सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। मैं कैसे अपनी देवियों को समझाऊं स्कूलों में टाई पहन के जा रही है, हिंदुस्तान में टाई, टाई तो इसलिए चुको ने लटका दिया था अपने ईसा को, तो उसकी याद के लिए ये करती है, जब उनको टाई देखते तो रो पड़ती, ओ माय लॉर्ड एक्सक्यूज मी, वो तो चर्च में यूं कहकर रोती है, ओ मेरे परमात्मा हमें माफ करना, हमने कितना जुल्म तेरे साथ किया, ओ माय लॉर्ड एक्सक्यूज मी। अपनी टाई को यूं करके, या वहां पर एक क्रॉस बना होता है, वो मतलब यही होता है, ये क्रॉस किया तो वो पूरा क्रिसमस नहीं लिखते, देखिए क्रिसमस लिखना चाहिए CHRISTMAS, नहीं लिखते एक्स कर देंगे आगे MAS लिख देंगे, देखा नहीं आपने, ऐसा मतलब क्या, हम मूर्खों ने ही उसको सूली पे लटकाया था, ये उसका चिन्ह। हम नलायक इस बात को न जानकर अपनी धीयों को ये लटका, हम हिंदू धर्म में नहीं, हमारा ये प्रतीक नहीं, हमारा प्रतीक तो अगर लगाने का शौक भी हो तो फिर ये गांठ नहीं देनी चाहिए, ये फिर रुमाल, प्रभु तो हमारे तो धर्म में है ही नहीं, हमारा तो प्रतीक है कमल का फूल। पर कोई हमारे माँ बाप भी बेवकूफ है, बहने भाई भी किसी काम की नहीं है, उनको अपने धर्म के बारे पता ही नहीं, हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर और टीचर भी यही लगाते फिरते हैं, वरना वैसे शर्म है हिंदुस्तान में टाई लगाना, दिस इज सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो वो ये देखती है, ये टाई थोड़ा देखती है, इसके रूप में वो अपने ईसा को याद करती, इसको भूल जाती है वो ईसा को, ये देखकर ईसा की याद आई, फोटो देखकर पति की याद आई, महाराज जी की मूर्ति देखकर भगवान बजाते खुद याद आए, और उनके सचित गुण आनंद गुण याद आए, आए खाए 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 आए खाए खाए आए खाए खाए। ये तो प्रतीक होता है,
कि हम कभी भूले नहीं। और हर जगह है, हर एक धर्म में, हर कंट्री में, हर जगह आप अपने बटुए में रखती हैं। आजकल जो है बटुए में अपने किसी को प्यारे को याद रखती हो तो बटुए उसका चित्र होता है। तो क्या कहते, ये क्या कागज रखा है बीच में, ये तो जिनकी साथ मेरी मंगनी हुई है ना, ये वो है, ये किसकी फोटो रखी है मर जानी, इन्हीं के साथ मेरी मंगनी हुई है, अब आज के पूरे 11वें दिन मेरी शादी होनी है। तो ये प्रतीक, अब मैं कह रहा हूं ये कौन है, ये कौन पर पुरुष है, पर पुरुष नहीं, मेरे भावी पति है, भावी है। ये देख किस औरत को डर लगा रहे, नलायक नहीं, मैं नलायक नहीं हूं, ये मेरी भावी पत्नी है। अब मैं कह रहा हूं पर स्त्री है, कागज है, आप कह रहे हो मेरी भावी पत्नी है। हम रिश्ता बताते हैं इस तरह, हम इष्ट देव कहते हैं, और जिनके साथ प्यार होता है याद रखना हो, वो उनके गुण याद आते हैं, गुणों से प्रेम आता है, जैसे सुगंधी से खुशबू निकलती है, हाँ दूध से माखन निकलता है, हाँ गुणों से ही प्रेम जमता। जब हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, प्यार कर रहे होंगे, मेरी देवियों गुणों के कारण से। तो जब भी भगवान जी कहते हैं दुनिया में रहो, हाँ लेकिन महाराज जी को याद करके अंदर कौन, भगवान, मैं हूं आत्मा, वो प्रतीक हमें याद हो, मेरे भगवान जी, मेरे परम पिता जी, आहा वो मेरे मालिक, शाबाश, वो जिनके कारण से मैंने इस विभूति से बड़ा लाभ उठाया और अब तक उठा रहा हूं, उठाता चला जाऊंगा जब तक एक श्वास अंदर से चल रहा है। वही तो है जो मुझे और आपको और आपके शरीर को चलाई जा रहा, वही तो है। और जरा से वो निकल गया, उठाओ जी मर गए, फलाना ये हो गया, मनोरमा मर गई, मनोरी मर गया, ये दोनों मंजी खाली मर गए, मंजी खाली कर गए, कब, जब आत्मा निकल गई तब मर गए। फिर हम अपनी नजर उस पर क्यों रखे जिसके कारण से आपकी जिंदगी, जिसके कारण से आप जिंदा है, क्या ये क्यों ना हम दिन में दो बार, चार बार, पांच बार, छह बार, अनेक बार कह लिया करें, मेरी हस्ती ओ मेरे इष्टदेव, यूं पावन चित्र लेकर, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी इंडिविजुअलिटी आपके बिना जीरो, इफ यू आर तो आई एम हीरो, व्हेन यू गॉन आई बिकम जीरो, ऐसा समझाया करो अपने आप को, मेरे प्रभु मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, मैं आपके बिना जीरो हूं, आप हो तो मैं भी हूं। दूध में मिले हुए पानी ने कहा, बाबा कहा, हां आपने सुना, आ गल्ला छोड़ो, मैं आपको बात बताऊं। सियालों ने समझाने का ढंग बड़ा सगा, दूध में पानी बोला क्या, तेरे कारण से ही, मजाक कर लो बाबे ने बात मारी गई, अंदर पानी दूध दे बोल रहे, क्या हुआ, दूध ने कहा क्यों यार क्या हुआ, तेरे कारण से मैं भी 12 रुपए किलो बिक रहा, तेरे कारण से मैं भी 12 रुपए किलो बिक रहा हूं, ओ मेरे मालिका तेरे कारण से मैं भी मां बनी हुई हूं, तेरे कारण से मैं भी पत्नी बनी हूं, मेरे पे जान देता है, मेरे पे मरता तेरे बिना मनोरमा मैं नहीं रह सकता, मैं तो एक मिनट तेरे बिना, मालिक तेरे कारण से, कोई मुझे पत्नी कह रहा है, कोई मुझे पति कह रहा है, तेरे कारण से तू अंदर है, मुझे कोई भैया कहता है, मुझे कोई बहन कहता है, तेरे कारण से मुझे कोई गुरु कहता है, कोई महात्मा कहता है, तेरे कारण से, त्वमेव सर्वम् मम देव, उनके कारण से मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। जैसे मैंने कहा जल जरा एट रहा था, अपने अपने यू कर रहा था, हाँ वो तेरे कारण से तूने मुझे अपने में रख लिया, दूध मैं भी 12 रुपए किलो बेच रहा हूं, मैं भी 12 रुपए किलो बेच रहा हूं तेरे कारण से, है ना, पानी को कोई 12 रुपए किलो लेता है, दूध के संग जो मिल गया, अगर कुछ मेरी आपकी इस शरीर की कदर है तो उस परमात्मा के कारण से। वो निकल गए लोह, जैसे लकड़ियां सड़ गई वैसे शरीर सड़ जाएगा, इतनी मोटे मोटी कितनी बार अर्थी देखोगी जलती हुए, मोटी लकड़ियों में रख के शरीर को नीचे ऊपर लकड़ियां डाल के लगा दो आग, जैसे मानो होली जला दी हो, जैसे मानो लोहड़ी जला दी हो, शाबाश, आओ कदर करें उसकी जिसके कारण से कोई इस मरने वाले शरीर की कदर हो रही है, उसी के कारण से, उसी के कारण से। जैसे एक भिखारन
है फटे हुए कपड़ों में और घुटनों तक मिट्टी है, यहां से अगर है कमीज तो ये इतनी फट रही है, इधर सलवार है या कोई चीज है तो वो भी नीचे से फटी पड़ी है, है हां, लेकिन जरा इतना हिस्सा सुंदर था, सिर्फ यहां से लेकर ये थोड़ी सी छाती से ऊपर वाला हिस्सा इतना सुंदर था, जिसके ऊपर नालायक आहा शाहजहां का मन आ गया, वरना उसका नाम ही कुछ और था, और नाम रख दिया शाहजहां ने नूरे नूरजहां। तो अगर नूरजहां की कदर हुई तो सिर्फ शाहजहां के लट्टू होने से, वरना तो एक यात्रा में आ रही थी यात्री बन करके, यात्रा में आई थी बच्ची, तो उन्होंने कुछ रात काटनी थी तो उनके गेस्ट बन गए राजा के, राजा के तो हर एक को उन्होंने अलग अलग औरतों को अलग अलग रखा, उसको अलग अलग रखा, बाकी सारी को अलग अलग रखा, तो राजा ने हर एक का परिचय लिया, तो इस सिरसरी का भी या भागा भरी दा सिरसरी तो ना कहूं भागा भरी, इस भागा भरी का ही परिचय हुआ, तो उनको देख करके राजे के मुंह में पानी आ गया, ये इतनी सुंदर इतनी अच्छी और ये धक्के खा रही है, हाय 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 हाय, ये क्या इतना बड़ा मोती और मिट्टी में मिला पड़ा है, नहीं शाहजहां ये तेरे योग्य है, ये मोती अपने गले में लगा, अपनी माला बना, तो जानबूझ के एक दिन और रख लिया और कहा तुझे क्या अच्छे लगती है, मुझे तो पक्षी अच्छी लगती है, अच्छा फिर ये सफेद कबूतर ले ले, तू इनसे खेलती रहो, नहीं मुझे दो ही कबूतर चाहिए, ज्यादा नहीं मैं रख सकती, तो कबूतर से खेलती रही, अब वो अपने प्यार में रह नहीं सका, ऐसे गंदे आदमी जो बार मुखी होते हैं तो आपकी सूरतों पे मर के अपने आप को निचोड़ते हैं ना, तो आ गया शाम के वक्त, देखा क्या कर रही है, मैं उसका नाम मैं भूल गया, पहला नाम कुछ और था, तो कहने लगी क्या कर रहे हो, जैसे कोई भी नाम हो, चलो मनोरमा, मनोरमा तू क्या कर रही है, मैं कबूतर से खेल रही, दूसरा कबूतर कहां गया, जा पना वो तो उड़ गया, लो मर गए मर गए, लो इस प्रश्न ने उसके पत्नी में डाला, क्या कबूतर दूसरा कबूतर कहां गया, वो तो उड़ गया, अब जा पना वो शाहजहां कैसे आली जा ऐसे, ये इंसान होता है, जब उनका कैसे तो दूसरा जो हाथ में था आली जा ऐसे, वाह तेरे नखरे शादी कर ली, ये तो बड़े नखरे वाले बड़ी अच्छे, अच्छा जवाब दिया ए, ऐसे, इसी अदा पर उर्दू बोलते अदा, हम अब कहेंगे कटाक्ष, इसी कटाक्ष पर वो काटक कट गया, तो मैं गुजारिश किए जा रहा हूं ऐसे गरीब का क्या उसका नाम बन गया नूरजहां, लाइट ऑफ दी वर्ल्ड, और वो क्या था शाहजहां क्या किंग ऑफ दी वर्ल्ड, वो किंग ऑफ दी वर्ल्ड बना, उसकी पत्नी बन गई लाइट ऑफ दी वर्ल्ड नूरजहां, सारे जहां का नूर, लेकिन पहले तो कुछ और नाम था, धक्केकारी थे फटे हुए चीथड़े कपड़े, गरीब की थी यात्रा में जा रही थी, लेकिन संग जो मिल गई जागीर के, गंदा शरीर माल मूत्र मज्जा खून नाना प्रकार के गैसे, हाँ कदर पै गई जब आत्मा इसके अंदर आ गई, वो एक भिखारन की बेटी कदर डाल गई जब शाहजहां ने उसका हाथ पकड़ लिया, ये गंदी काया जिसके एक एक अंग से गंध निकलता है, कदर पड़ गई जब मालिक ने ये कहा मैं हूं आत्मा, ये कोई बाहर नहीं बोल रहे, अंदर से आवाज आती है जो है जानदारों की, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे माया का चक्कर, इससे बड़ा कल्याण हो जाएगा कि आपका मन मेरे तरह खिंच के उस एक में आ जाएगा, यदि आप गहराई में उतर जाए कि इसी के कारण से सब कुछ, जैसे मैंने इतिहास की घटना बताई जो है शाहजहां जी के कारण से ही इस गरीबन की कदर पढ़ के नाम भी बदल गया, धाम भी बदल गया, काम भी बदल गया, नाम भी बदल गया, धाम भी बदल गया, और क्या बदल गया तीसरा, काम भी बदल, कार्य और प्रकार का हो गया, लेकिन जब शाहजहां ने हाथ थामा तब इस गंदी काया जब 4.5 महीने आपके गर्भ में शरीर पूरा बन गया और फिर आत्मा ने प्रवेश किया, हाँ नाम भी बदल गया, धाम भी बदल गया, काम भी, 4.5 महीने के बाद अंदर प्रवेश करती है आत्मा, सूक्ष्म शरीर समेत अंदर आती है, सारे कुछ बदल जाता है, धर्म कर्म और शर्म, जब आत्मा ने प्रवेश किया आखिर में आत्मा छोड़ जाएगी तो बस इसके ये जीरो हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी काया, साड़ो साड़ो साड़ो,
नहीं साड़ते वो फैलेगी, मिलो तक एक ही काया की बो जाएगी अगर आप ना साड़ोगे तो। जैसे कोई पशु मरा पड़ा तीन चार दिनों का गुजरना मुश्किल हो जाता, आहा बड़ा मुश्किल गुजरना हो जाएगा अगर इसको नहीं, इसका किसी पशु को आप साड़ेंगे नहीं। इसलिए पर वो होते वल्चर्स जिनका बोलते गिद्ध, वो इनको सफा करते हैं। बड़ा भारी जुर्माना है गिद्ध को मारना, आपको पता नहीं गवर्नमेंट का नियम पता ही नहीं, गवर्नमेंट के नियम आप गिद्धों को मार नहीं सकते। गिद्ध क्या है? गिद्ध प्रकृति के सफाई करने वाले। क्या है? क्या है? जैसे ये हमारी गलियों को सफा करने वाले आप बोलते हो हरिजन है, ये प्रकृति में प्रकृति को सफा करने वाले मित्र है। गिद्ध बड़ी सफाई कर रहा है प्रकृति के अंदर, कभी कोई मरा पड़ा है कभी कहीं मरा पड़ा है, तो ये सब उन्हें खा पी जाते, सब डिकार मारते हैं। इनको हाजमोले की भी जरूरत कोई नहीं, पचनौर की भी जरूरत कोई नहीं, इतने बड़े बड़े खा जाएंगे। प्रकृति में वो ना फैले, प्रकृति में गंदे कीटाणु ना फैले। कितनी वल्चर्स और ये गिद्ध और ये चीले मदद कर रही हैं। है तो कुछ भी नहीं अगर आत्मा निकल जाए तो। आज जाके विचार करना, भगवान जी के शब्द को लेना, यही तो सब कुछ है। पर हम उधर ना ध्यान देकर बदकिस्मती से शरीर को सब कुछ, जैसे नालायक शाहजहां ने शरीर को सब कुछ समझ दिया तो नूर जहाज बन गई, उसकी भी कदर पड़ गई, हाय खाई उसकी भी कदर हो गई, क्योंकि एक उस समय के बादशाह ने जी उसको थाम लिया तो बड़ी कदर। इसी तरह इस गंदे शरीर को परमात्मा ने जो पकड़ लिया आत्मा बन के, तो कितनी कदर है आपकी, पिता के नाते से, माँ के नाते से, पत्नी के नाते से, और क्या 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 बहन के नाते से, भाई के नाते से, कितनी कदर पड़ गई। चूंकि जब आत्मा ने संभाला तो ये शरीर वही रहेगा, रिश्ते नहीं रहेंगे। क्यों? सभी मुंह फेर लेते, सभी मुंह फेर लेते, दम निकल जाने के, दम निकल जाने के, सभी मुंह फेर लेते, दम निकल जाने के, उसी के कारण से सब कुछ है। आहा, मुसलमानों ने बिल्कुल नकल किया इसी धर्म की। मुसलमानों के आपको 80% नकल आएगी, पर मेरा ये धर्म नहीं ना बताना आपको, मेरा धर्म तो अपने हिंदू धर्म को बताना है। मैं एक शब्द बताता हूं, आदमी उन्हें कैसे रखा है इसी धर्म से। आत्मा है तो सब कुछ, आत्मा गई तो कुछ नहीं, तो दम है तो आदम है, दम गया तो आदमी को, तो ये शब्द बना वहीं से, आदमी दम के कारण से आदमी, और दम गया तो खत्म। आह बशर भी दम हुआ जाता है दम के आने जाने में। विचार कर लेना, ओ मेरी देवियो मेरे सजनों, कि सब कुछ उसी के कारण से है। ये भगवान की पहली विभूति, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी, उन्हीं के कारण से ही कदर। आप अपने हमारे अपने कारण से कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं उनके कारण से। चाहे ये बड़े कीमती है, 5-6 हजार रुपए के ये मेरे सामने माइक है, लेकिन इनकी कोई कदर नहीं अगर इसमें बिजली ना हो। अब इनकी कदर है 5,000। अच्छा, आत्मा के कारण शक्ति कारण से इनकी कदर है, इसलिए शरीर में परमात्मा की शक्ति के कारण से इसकी कदर हो रही है। शक्ति ने निकल जाना इसको फूंक देंगे, तो दाना आदमी शक्ति को देख के ध्यान लगा लेता है, नालायक आदमी शरीर को ही सब कुछ समझता है। यही अंतर है। आपके आपके सतगुण बढ़ता जा रहा है, आपकी नजर परमात्मा पे होती जा रही है, उनमें रजोगुण बढ़ता है, वो रूपों पर उनकी नजर मरती, वो वही मरते जा रहे। इसलिए वो कामना लेके आए थे, कामना लेके मरेंगे, फिर जन्म होगा। आप कामना लेके तो आए थे, पर कामना लेके मरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि भगवान पे हो, आपकी दृष्टि परमात्मा पे होती जा रही है। इसलिए अब आप कामना लेके नहीं मरेंगे, भगवान लेके तरेंगे। कामना लेके मरेंगे, भगवान लेके तरेंगे। कामना लेके मरेंगे, भगवान लेके तरेंगे। जब ये भगवत दृष्टि बनी जीव तर गया, और जब ये रूप दृष्टि बनी तो जीव कई जन्मों में आके मरता रहेगा, जन्मता रहेगा। ये पहली विभूति भगवान की कितनी शानदार। जो अर्जुन ने कहा था, क्या कहा, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल के खुल जाए मुझ तक हकीकत का। भगवान के तू तो मेरी शक्ति को देखना, जिसके कारण से शरीर चले उसी का ध्यान धर, तो मेरे में जम जाएगा
मेरे में ही समा जाएगा और इसी कारण से पर्दे सारे उतर जाएंगे, असलियत की पहचान कर ले। परमात्मा करे आज का मेरा थोड़ा सा प्रकाश डालना आपकी बहुत सेवा करे। या जो थोड़ा सा मैंने विस्तार किया है भगवान जी के प्रति उत्तर का, आपको बहुत कल्याण करे। इसी आधार पर आप जाप कर सकती हैं, इसी आधार पर आप मन एकाग्र कर सकती हैं, इसी प्रति उत्तर पर आप चारों ओर से मन खींचकर एक प्रभु में केंद्रीय भूत हो सकते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।